सकते हैं आप इस बुक का रिव्यू। ये एक स्ट्वेल्थ अकाउंटेंसी बुक विच इज़ रिटन बाई टी एस ग्रेवाल, ठीक है, और वॉल्यूम फर्स्ट है ये। तो ये है हमारे कंटेंट्स, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो यस, ये रहा हमारा चैप्टर अकॉर्डिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। फिर आता है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर आप इसमें थ्योरी दी गई है काफ़ी अच्छे से। तो इसकी जो थ्योरी है ना, वो जो टी के गोयल की बुक है ना, जो टी के गोयल सर की बुक है, उससे काफ़ी अच्छी दी गई है। काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में काफ़ी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर तरीके से दी गई है। सो हाँ, काफ़ी अच्छी थ्योरी दी गई है इसमें। और अगर आप इसका पुराना एडिशन देते हो ना, एक से दो साल पुराना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें थ्योरी में। और क्वेश्चन में थोड़ा वो चेंज हो सकता है, बट वो चीज़ इतने मैटर नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप एक से दो साल पुराना एडिशन दे रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी लेटेस्ट एडिशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है, आप देख सकते हो इसके। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप दे दिया है उसने, और ये देखते हैं कितना अच्छे से टेबल से एक्सप्लेन किया गया है सभी चीज़ों को। लाइब्रेटिस ऑफ पार्टनर। फिर आती है हमारे स्टेशंस, स्टेशन वन। तो इसमें दिया गया है कि किस टॉपिक से है ये, जैसे कि प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये और ये और अदर एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब टॉपिक के बेसिस पर दिया हुआ है। जैसे स्टेशन है ये, उसके सामने आपको दिया हुआ है कि किस टॉपिक की है ये, ठीक है। फिर नई हेडिंग आती है हमारी, और ये डिफरेंट कितने अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। फिर स्टेशन थ्री है, ये स्टेशन फोर आ गए, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को डी के गोयल से कंपेयर करोगे, तो मैं इसी को ही कमेंट करूँगा, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे बुक। और देख सकते हैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग, इसमें क्या आता है कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट वे, डेबिट वे, तो देख सकते हैं। और ये टेबल दी गई है डिफरेंट समझाने के लिए, बेसिस दिए गए हैं, बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। रजिस्ट्रेशन 12, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो ये क्वेश्चन का एक टाइप है। और इसमें पी आई क्यू से मिल जाते हैं आपको, जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में आया था, ये स्टेशन में दिया हुआ है, ये 2019 में आया है, और ये 2012 का भी दिया हुआ है आपको, देख सकते हो। फिर आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक, ओके। सो हमें स्टेप्स दिए गए हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, पूरा अच्छे से समझाया गया है स्टेप वाइज, तो काफ़ी सही है।
वो ऐसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के रिव्यू के साथ, जल्दी आना होगा इसका रिव्यू भी, ठीक है। टिल देन बाय।